अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिन पहले ट्रिप करके आया था 14 अगस्त पे कश्मीर का। तो वहाँ से आने के बाद मेरे घर वाले मुझसे काफ़ी नाराज़ थे कि खुद घूमता रहता है, हम नहीं लेके जाता। सो आज मैंने प्लान किया है कि आज हम जा रहे हैं नारान, घर वालों को लेके और इनको भी इंजॉय करवा के लाते हैं। सो लेट्स गो। जी, तो अभी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है सब्जार से नारान की तरफ का। मोटरवे पे आए हैं तो यहाँ पे मौसम तो हल्का पुल्का ख़राब ही मिल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। राइट नाउ वी आर एट भेरा KFC। जी, आप किधर घूम रही हैं? कहाँ? KFC आई हैं? हाँ जी। आगे कहाँ जा रही हैं? आप जहाँ ले जाएंगे वो देखिए जरा। सो मिस्टर जासिम, हेलो, ये चाबियाँ नीचे क्यों फेंक रहे हो? कहाँ जागा रहे हो? हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 7 महीने के अभी नहीं हुए तुम, और तुम ट्रिप पर ट्रिप करी जा रहे हो, चौथा ट्रिप है तुम्हारा, तुम्हें चैन नहीं आता है? आवारा लड़के, आवारा आवारा आवारा। अभी करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, फिर करेंगे अपना सफर दूजा। सफर पे निकलने के बाद बारिश फिर से, ओए बदल, क्या बात है, कमाल की बारिश शुरू हो गई है। तूफानी बारिश है, नज़र आ कुछ नहीं रहा, अल्लाह पाक करम करे। मोटरवे पे हो गए हैं स्टक, वाइपर हो गए हैं गाड़ी के ख़राब। अब वेट करते हैं बारिश रुकने का। काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद सफ़र दोबारा शुरू किया था, वीडियो बना नहीं सके, लेकिन बारिश के बाद मौसम इंतहाई खूबसूरत है आपके सामने है। क्या हसीन वादियाँ, क्या हसीन नज़ारे, वाह अल्लाह पाक आपकी कुदरत, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारान पहुंचने वाले हैं, और ये नारान से पहले एक बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई गई है। पहले रोड जाता था इससे नीचे से, अब ऊपर पहाड़ के ऊपर उन्होंने टनल बना दी है क्योंकि नीचे बन रहा है डैम, और ये बहुत ही खूबसूरत टनल है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। टनल कंप्लीट होने से पहले तो रोड बिल्कुल क्लियर है, इसके बाद थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा ही बस। जी, तो ये सामने आ रहा है नज़र नारान, माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत वादी, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश, हसीन, माशाल्लाह, हाय मेरी जान टूटा। लोरियों का फेवरेट नाश्ता, चने ते तेलों वाला कुलचा। ब्रेकफास्ट करने के पास थोड़ी सी चहलकदमी करने के लिए हम चले गए हैं इनके गांव, और यहाँ पे मेरे वालदैन जा रहे हैं दरियाए को नहार के किनारे, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, पानी में मस्ती करने के लिए। ध्यान से जाओ जी, वाह क्या खूबसूरत दरिया लग रहा है, और ये मेरे वाले साहब सामने से इशारे कर रहे हैं, क्या बात है। लो जी, बच्ची कपड़े धो रही है और ये उसके साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन की मस्ती के बाद अब टाइम आता डिनर का। लेट्स हैव सम सब्वे। सब्वे से पेट तो नहीं भरा,
तो लेट्स ट्राई सम चप्पल कबाब, एक एक हो जाए, मजे के लग रहे हैं। अरे फुड़कड़े हैं ये तो यार, हाईली रिकमेंडेड है ये आइसक्रीम। आप जब भी नारान आओ यहाँ से लाजमी खाओ, ये होममेड आइसक्रीम बनाते हैं माशाल्लाह। जी तो अब डिनर करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और ये सामने है हमारा होटल। होटल इधर वाइफ, ठीक है, बहुत प्यारी लोकेशन पे है, बाज़ार से थोड़ा दूर है लेकिन यहाँ पे सुकून है, और सुकून है बस, टेंशन नहीं है। ये हमारी राम प्यारी खड़ी है, बड़ा सफ़र कर दिया यार ये बेचारी, पहाड़ों की शहजादी। जल्दी से चलते हैं अपने रूम की तरफ और सोते हैं चल के, क्योंकि सुबह सुबह हमने फिर निकलना है आगे को, और इनको भी तो और घुमाना है यार। ये सीढ़ियाँ बड़ी हैं, गलती कर ली हमने, तीसरे फ्लोर पे हम रूम लेके, रूम बड़ा था इसलिए लिया लेकिन फ्लोर तीसरा था यार, बड़ा थक गए थे। ओ भाई कितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं, कहीं अल्लाह मियाँ के पास न ले जाना, किधर रह गया है। आ जा आ जा आ जा, ओए आ गया मेरा कमरा आ गया। अल्लाह हाफिज़।